अगर हम कुवैत में आके काम कर रहे हैं और हमारा कोती है जो पूरा पासपोर्ट और बताका ले लिया है, अब हम क्या करें? और हम भाग के काम कर रहे हैं और हमें जाना है इंडिया, तो हमें कैसे इंडिया जाना पड़ेगा और क्या क्या हमें सामान चाहिए, क्या क्या प्रूफ चाहिए कि हम इंडिया आराम से जा पाएं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो एयरपोर्ट वगैरह पे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर हमें इंडिया जाना है और हमारे पास बताका नहीं है, ना कि पासपोर्ट है, कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे इंडिया जाएं। तो बस आपको एक काम करना है, आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर गाइस आप लोग चैनल में पहली बार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। तो गाइस आज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जो कुवैत में काम करते हैं और उन लोगों के पास ना कि पासपोर्ट होता है, ना कि सिविल आईडी होती है, जो यहाँ की बताका बोलते हैं अरबी में, तो वो सब पूरा उसके पास होता ही नहीं। बस वो लोग भाग के काम करते हैं कुवैती वगैरह के घर से, और वो लोग अच्छा पैसा कमाने के चक्कर में कुवैत में कहीं बाहर पे काम करते हैं और कुवैती उनको केस कर देता है। तो गैस आपको कैसे इंडिया जाना पड़े इस स्थिति में, इस पोजिशन में आप लोग कैसे इंडिया जाएं? तो मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि अगर आपको इंडिया जाना है, या आपको नेपाल जाना है, पाकिस्तान जाना है, या बांग्लादेश जाना है, किसी भी कंट्री, आपको इस स्थिति में, इस पोजीशन में जाना है कि आप लोग के पास कुछ भी प्रूफ ऐसा नहीं है कि आप लोग एयरपोर्ट के द्वारा अच्छे से पूरा इमिग्रेशन के साथ जा पाओ, तो आपको एक काम सबसे पहले करना है, आप लोग को एम्बेसी जाना है, वहां पे अच्छे से बात करना है कि मेरा जो कोती है वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैं भाग के काम कर रहा हूँ, ना कि मेरे पास पासपोर्ट है, ना कि मेरे पास सिविल आईडी है। जब एक एक बात वहां पे जाके अपनी एम्बेसी में कहोगे, जिस भी एम्बेसी में आप रहने वाले हो, जैसे जिस भी कंट्री के आप रहने वाले हो, जैसे पाकिस्तान हो गया, आप लोग पाकिस्तान एम्बेसी में जाइए, नेपाल हो तो नेपाल की भी एम्बेसी यहाँ पे है, इंडिया की एम्बेसी भी है, सब एम्बेसी यहाँ पे रहती है, वहां पे आपको जाना है। अगर आप लोग एम्बेसी नहीं जाओगे तो आप लोग को इंडिया जाने को नहीं मिलेगा, आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे। तो बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जो कि एम्बेसी जाते हैं, वो लोगों के पास सिविल आईडी भी नहीं होती है, ना कि कोई ऐसा प्रूफ होता है कि इंडिया जा पाए, क्योंकि जब आप लोग एयरपोर्ट पे जाओगे तो सबसे पहले आप लोग के पास सिविल आईडी चाहिए और उसमें बताका भी, यानी कि पासपोर्ट भी चाहिए। पासपोर्ट में अगर आप लोग के पास अकामा नहीं रहेगा तो आपको पुलिस पकड़ लेगी एयरपोर्ट पे। तो बस आप लोग के पास सिविल आईडी जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिविल आईडी में अभी अकामा होता है, उसी में अकामा पूरा होता है, ना कि पासपोर्ट में होता है। बस वो लोग ऑनलाइन कर देते हैं। अभी 2 साल पहले यहाँ पे कानून था कि अगर आप लोग घर जाते हो तो आप लोग के जो पासपोर्ट में स्टंप लगाते थे, जो अकामा वाला, लेकिन अभी ऐसा सब कुछ खत्म हो चुका है। जो भी रहेगा आपके सिविल आईडी में रहेगा, जो कि एक कार्ड की तरह होती है सिविल आईडी। अगर आप लोग सर्च करोगे कोई सिविल आईडी तो आपको उसकी शक्ल देखने को मिल जाएगी, कोई सिविल आईडी, तो बस उसी वही वही सिविल आईडी होती है, जो कि थोड़ा स्क्वायर टाइप की होती है, छोटी सी होती है, जैसे हमारे एटीएम कार्ड होता है उसी तरह की होती है। और मेरे कुछ दोस्त यहाँ कंपनी में काम करते हैं, वो लोग पिछले 4-5 साल से काम करते हैं और वो लोग अभी जाना चाहते हैं इंडिया, तो वो लोग एम्बेसी गए थे, अभी जल्द ही एम्बेसी गए थे। एम्बेसी ने उनको बोला है कि आप 1 महीना बाद बस टिकट पकड़ना और कुछ भी नहीं, टिकट पकड़ना और टिकट वो बंदे का रहेगा, और बाकी जो पेपर वेपर है, जो कि पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वो पूरा एम्बेसी बनाएगी ताकि आपको इंडिया जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी वो एक मेरे चाचा थे, इधर कंपनी में काम करते हैं, जो कि उनका कोती है, उनका कामा कैंसिल कर दिया है, जो कि कोती अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो चाचा भाग के काम करते थे, और हो सकता है कोई केस डाल दिया हो कोती उनके ऊपर, लेकिन केस डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी एम्बेसी जो होती है उतना हैंडल कर लेती है। और अभी वो चाचा 1 महीना बाद घर जाएंगे, यहाँ पे मेरी कंपनी में काम करते हैं, साथी में, वो साथी में नहीं काम करते हैं, मेरी कंपनी में दूसरा उनका काम है, और अभी वो घर जाना चाहते हैं, अभी रमजान खलास हो जाएगा, अभी रमजान चल रहा है, फिनिश हो जाएगा, तो वो अपने आराम से अपने इंडिया चले जाएंगे, और इंडिया स्टेट एपी के रहने वाले हैं, और एम्बेसी उनको बोली कि आप रमजान फिनिश हो जाएगा, 1 महीना बाद आइए और हम आपको पूरा पेपर देंगे, क्या क्या पेपर, पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा आपको हम बताएंगे, बस आपको टिकट पकड़ कर सीधा एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट पे आपको कुछ नहीं करेंगे वो लोग, वो पेपर देखेंगे, डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ की जो सरकार है वो सब बातचीत होती है आपस में, कि हमें जो हमारी कंट्री है और आपकी कंट्री, जैसे इंडिया और कुवैत की कंट्री के बीच जो बातचीत होती है, अगर और जो कुवैत है वो बंदे कैसे अपने घर जा पाए, जैसे हम इंडिया पे रहने वाले हैं और हम कुवैत में काम करते हैं और हमारे पास सिविल आईडी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अपने वतन जा पाए, तो यहाँ की जो कंट्री है, जो कि यहाँ के जो मंत्री लोग हैं, जो कि मिनिस्टर लोग हैं, हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, यानी कि जो सरकारें होती हैं, आपस में बातचीत करती रहती हैं कि हमारा अगर बंदा यहाँ पे फंस चुका होता है, हमारा बंदा कैसे हमारे कंट्री रिटर्न आए, तो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप लोग यहाँ पे एम्बेसी के द्वारा जाना चाहते हो तो आप लोग एम्बेसी में कॉन्टेक्ट करना होगा, नहीं तो आप लोग कभी भी जा नहीं सकते हो, बिना एम्बेसी को आप लोग कभी भी नहीं जा सकते हो। अगर आप लोग जेल वगैरह के जाना चाहते हो तो, अगर गाइस आप लोग के पास सिविल आईडी नहीं है और आप लोग पुलिस वगैरह के द्वारा पकड़े गए तो आपको लंबी सजा हो सकती है, कम से कम 1-2 महीना की जेल हो सकती है, बाद में आप लोग को जाने को मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग एम्बेसी जाइए, फिर आप लोग वहां पे आप बातचीत कीजिए अच्छे से, हो सकता है आपको जल्दी से पूरा प्रोसेस हो जाए, और आप लोग जहाँ पे काम करते हो भाग वगैरह के, कहीं भी भाग के काम करते हो,
आप लोग वहां काम कीजिए, जब एम्बेसी आपको बुलाएगी आपको वहां पे जाना है, पूरा डॉक्यूमेंट बना के आपको दे देगी, आपका पूरा नाम पूछेगी, आपके कहाँ के रहने वाले हो, और इसी तरह यहाँ पे आप लोग काम करो। जब गाइस आपको एम्बेसी बुलाएगी तो आपको जरूर जाना है, ये नहीं कि मुझे काम है वो है ये है, आपको एम्बेसी की बात को मानना है क्योंकि आपको अपने देश जाना पड़ेगा, और नहीं जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए तो हो सकता है आपको बड़ी जेल हो जाए, जैसे यहाँ पे सेंट्रल जेल बोलते हैं सुलेबिया खात में, तो आपको वहाँ पे कम से कम 2-3 महीना जाके रहना पड़ेगा। जब एम्बेसी आएगी तब आपको नंबर आएगा। तो बस मुझे आपसे इतना कहना था कि भाई अगर आप लोग ऐसे जाना चाहते हैं एम्बेसी से बातचीत करके, यहाँ पे जो हमारी एम्बेसी है सरको में है और बहुत सी जगह ऐसी एम्बेसी है, आप लोग पता कर सकते हो। यहाँ अगर कुवैत में हो तो आप लोग जरूर पता कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग काम करोगे और घर के बारे में सोचेगा नहीं तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, और कभी आप काम करने गए रोड वगैरह पे जैसे पुलिस ने पकड़ लिया तो और भी बुरा हो सकता है आप लोग के पास, क्योंकि जो जिसके पास आईडी नहीं होती है पुलिस उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है, क्योंकि आप लोग यहाँ के कानून का यानी कि दुरुपयोग करते हो, यहाँ के कानून को फॉलो नहीं करते हो। जो यहाँ के कानून को फॉलो नहीं करता है उनको बहुत ही मुश्किल होती है, यहाँ पे जो हर जगह पे ऐसा होता है, जैसे हमारे इंडिया में अगर आप लोग कानून का फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो यहाँ पे तो अरब कंट्री है, यहाँ पे हर लोग को कानून को फॉलो करना पड़ता है, चाहे कोती हो, चाहे एक्सपर्ट्स हो, चाहे अजनबी कुछ भी हो। तो बस इतना ही कहना था मुझे, अगर आप लोग को जल्दी इंडिया जाना है तो एम्बेसी के द्वारा जाइए, अगर आप लोग को जल्दी नहीं जाना है एम्बेसी के द्वारा, अगर आप लोग पुलिस की गिरफ्त में है तब भी आप लोग इंडिया जा सकते हो, क्योंकि जब पुलिस पकड़ती है आप लोग को, ना कि आपके पास सिविल आईडी होती है ना कुछ होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम लग जाता है आपको जेल वगैरह में, जेल में आपको अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। गैस अगर आप लोग एम्बेसी द्वारा जाओगे तो आपको अपना अपना जहाँ पे आप लोग काम करते हो, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास सिविल आईडी कुछ भी नहीं है, तो मैं एम्बेसी के पास जाऊंगा, वहां बोलूंगा कि मुझे इंडिया जाना है, तो एम्बेसी आपको अच्छे से बात करेगी कि क्या क्या सामान मुझे जरूरत है, जैसे डॉक्यूमेंट की आप लोग पूरा दीजिए, फोटो भी दीजिए, डॉक्यूमेंट भी पूरा दीजिए, आप लोग घर से पासपोर्ट वगैरह की कॉपी मंगा लीजिए, और आप लोग गलती कभी ना करना गाइस, आप लोग कभी भी ये गलती मत करना, जैसे आप लोग के पास पासपोर्ट तो होगा जरूर कॉपी, आप लोग के इंडिया में जरूर होगा पासपोर्ट कॉपी, अगर ना होगा तो आप लोग निकलवा सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट कॉपी आपकी निकल जाती है इंडिया वगैरह में, और एम्बेसी में जब मांगेंगे तो आपको देना पड़ सकता है पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट कॉपी के आप लोग इंडिया नहीं जा सकते हो, और वो लोग पासपोर्ट बनाएंगे ऐसा कि आप लोग यहाँ से क्रॉस हो जाओ, फिर आप लोग को इंडिया में छोड़ देंगे, बॉम्बे दिल्ली किधर भी आप लोग जिस भी स्टेट के रहने वाले हो, और इसी तरह यहाँ पे लोग अपने इंडिया जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पुलिस के द्वारा जाना चाहते हो तो आपको फिंगर भी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगी, अगर आप लोग एम्बेसी के द्वारा जाना चाहते हो तो आप लोग कुवैत में दोबारा रिटर्न आ सकते हो। यहाँ पे अच्छी बात यह है, अगर जब पुलिस ने आपको पकड़ा आपको तो फिंगर जरूर लेती है, जैसे ये फिंगर है ना आपको जरूर फिंगर ले लेगी, आप लोग को कम से कम 10 से 15 साल कुवैत में एंट्री नहीं मिलेगी, और यहाँ पे आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आप लोग दोबारा जब आओगे नहीं तो आप लोग को यहाँ पे कोई रोजी रिजिक भी नहीं मिलेगी, ना कि कोई आपको जॉब मिलेगी, तो कितने भी पावर वाले आप रहोगे आपको जब पुलिस ने फिंगर कर दिया तो आप लोग कभी भी नहीं आ सकते हो। बाई चांस अगर आपका वीजा निकल चुका है, आपका फिंगर हो चुका है, आप लोग कुवैत आने के लिए तैयार हो, यहाँ पे तो कुवैत में आ जाओगे, लेकिन कुवैत एयरपोर्ट पे आप पकड़े जाओगे, क्योंकि जो फिंगर होता है वो ऑनलाइन होता है, उन लोगों को पता चल जाता है पुलिस वगैरह को कि ये बंदा पहले आया था कुवैत में, पकड़ा गया था, फिंगर हो चुका है, बाद में आपको रिटर्न कर देंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरा फ्लाइट का टिकट पूरा आपको नुकसान हो जाएगा। आप लोग से प्लीज इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग का जब फिंगर होता है कभी भी ना आइए वीजा लेकर, बहुत से ऐसे बंदे आते हैं मैंने देखा है वो लोग कुवैत एयरपोर्ट से वापस जाते हैं अपने इंडिया, जिस भी कंट्री के रहते हैं, हमारे इंडिया के ज्यादातर लोग रहते हैं जो कि फिंगर होने के बाद फिर दोबारा वीजा लेकर आते हैं, और उन लोगों को पता चलता है कि फिंगर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो लोग सोचते हैं कि फिंगर खत्म हो जाता है 1 साल 2 साल में, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, कम से कम 5 से 10 साल लगता है, कोई भी बोलता है कि भाई कभी नहीं आ सकते हो, तो इतनी बड़ी गलती मत कीजिए, क्योंकि फिंगर बहुत ही खतरनाक यहाँ का होता है, तो कम से कम आप लोग इतनी गलती को तो मानिए, हमारी मेरी बात ना मानिए, कम से कम यहाँ के कानून को तो मानिए जो कि यहाँ का कानून है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।